Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweetie Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस के पाठ दोहराएंगे. बच्चों सबसे पहले हम पाठ दो एकता में बल देखेंगे. बच्चों इस पाठ में ध्यान रखने योग्य बातें हैं. समझदार राजा चित्रग्रीव. बच्चों आपने देखा था एक पीपल के वृक्ष पे कौन रहते थे? कबूतर रहते थे. एक दिन और उनका राजा था जिसका नाम क्या था? चित्रग्रीव था. एक दिन उन्हें बहुत भूख लगी और वह सब भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगे. इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जमीन पर कुछ दाने बिखरे हुए हैं. उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दानों को खा लिया जाए और वह जमीन पर उतरने लगे. जैसे ही वह उतरने लगे उनका राजा जिसका नाम चित्रग्रीव था उसने उन्हें मना किया कि साथियों यहाँ मत उतरो. लेकिन कबूतर वहाँ उतर गए. इसके बाद वह कबूतर क्या है? एक बहेलिया. बहेलिया क्या होता है? शिकारी. वह उसके जाल में फंस गए. कैसे फंसे? क्योंकि जमीन पर जो दाने बिखरे हुए थे बहेलिए ने वहाँ पे जाल बिछा रखा था और वह क्या हुआ, सारे कबूतर उस दाने को चुगने के चक्कर में वह सारे जो कबूतर हैं वो वहाँ पे फंस गए. इसके बाद वह इतनी तेज उनके जो पंख है वो वहाँ पे फड़फड़ाने लगे. इसके जो चित्रग्रीव था उनका राजा था उन्होंने उसे समझाया कि यहाँ संकट में जो है धैर्य से काम लेना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत में धीरे से काम लेना चाहिए. उसके बाद वह जब उसने उनके जो राजा था चित्रग्रीव उन्होंने उसको समझाया कि एक काम करो, अपने जो पंख हैं अपने जो जाल में जहाँ फंसे हुए हैं उस सबको आराम से लेकर उड़ चलो. तो उनमें से जो एक कबूतर था उसने बोला कि हम उड़ेंगे कैसे, हम तो जाल में फंसे हुए हैं. उसने बोला एक साथ मिलकर अगर हम जोड़ लगाएंगे तो हम आकाश में उड़ चलेंगे. इसके बाद जैसे ही वह उड़ने लगे वह सब उड़ गए आराम से. वह जो बहेलिया था वह उनको देखता रह गया. उसके बाद सच्चा मित्र चूहा. जो चित्रग्रीव था उसका एक मित्र था चूहा जिसका नाम क्या था? हिरण्यक. हिरण्यक नाम का एक चूहा जो था वह चित्रग्रीव का एक मित्र था. वह जो चित्रग्रीव था वह चूहे के पास गया और बोला कि मित्र हम एक मुसीबत में हैं, क्या आप मुझे इन मुसीबत से निकाल सकते हो? तो उस चित्रग्रीव ने बोला कि हाँ मैं आपको इससे निकाल सकता हूँ. उसने क्या किया? उसने अपने दांतों से उस जाल को काट दिया और वह सब उस जाल से मुक्त हो गए. तो बच्चों कबूतरों ने क्या कहा? कबूतरों ने हिरण्यक नाम के चूहे को धन्यवाद दिया. बच्चों इस चैप्टर से आपने क्या समझा था कि संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए. तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, इसका बुक वर्क रिवाइज करेंगे. मौखिक प्रश्न, कबूतर कहाँ रहते थे? पीपल के वृक्ष पर. बच्चों कबूतर कहाँ रहते थे? पीपल के वृक्ष पर. व पे री की मात्रा और श, तो बच्चों ये क्या बना? वृक्ष. कबूतरों के राजा का नाम क्या था? बच्चों कबूतरों के राजा का क्या नाम था? चित्रग्रीव. च च पे छोटी ई की मात्रा, त्र ग ग के नीचे पदेन की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा ग्री व, तो बच्चों यह क्या बना? चित्रग्रीव. संकट में कौन मित्र होता है? धैर्य. ध पे आय की मात्रा और य पे रेफ की मात्रा, तो बच्चों ये क्या हुआ? धैर्य. जाल लेकर उड़ते कबूतरों के पीछे कौन भागा? बहेलिया. हिरण्यक कौन था? चूहा. कबूतरों का जाल किसने काटा? हिरण्यक चूहे ने. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. क कबूतरों को नीचे उतरने से किसने रोका था? बच्चों कबूतरों को नीचे उतरने से किसने रोका था? चित्रग्रीव ने,
हिरण्यक ने या बहेलिये ने, चित्रग्रीव ने जो उनका राजा था। ख, कबूतर किसमें फंस गए थे, पेड़ों के झुंड में, जाल में या बिखरे दानों में। बच्चों कबूतर किसमें फंस गए थे, जाल में। सेकंड वाला जो है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे, जाल में। ग, इस पाठ का दूसरा शीर्षक हो सकता है, मतलब कि इस पाठ का दूसरा नाम क्या हो सकता है। कबूतर और बहेलिया, मूर्ख राजा, दयालु चूहा। फर्स्ट वाला कबूतर और बहेलिया, आप इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ग, जाल को किसने काटा, चित्रग्रीव ने, हिरण्यक ने या बहेलिये ने। सेकंड, हिरण्यक ने, जो एक चूहा था उसने ही उन जाल को काटा था ना। उसके बाद प्रश्न दो, किसने किससे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। बच्चों यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है, यह किसने कहा था, चित्रग्रीव ने कबूतरों से। तो आप यहाँ प्रश्न दो, किसने किससे कहा। च, च पे छोटी ई की मात्रा। त्र, ग, ग पे पदेन की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। व, चित्रग्रीव ने क्या कहा था, चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा था, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। क, ब पे ऊ की मात्रा। त, र पे ओ की मात्रा और बिंदी। तो ये क्या हुआ बच्चों, कबूतरों से। साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो। किसने कहा था बच्चों, साथियों घबराओ मत, धैर्य से काम लो, चित्रग्रीव ने कबूतरों से। ग, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे। यह किसने कहा था कि हम तो जाल में फंसे हुए हैं लेकिन हम उड़ेंगे कैसे, कबूतरों ने, चित्रग्रीव से। ग, सब एक साथ मिलकर जोड़ लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। यह किसने कहा था, चित्रग्रीव ने कबूतरों से। क्या कहा था कि सब एक साथ मिलकर जोड़ लगाओ और सब मिलकर एक साथ उड़ चलेंगे। अब प्रश्न तीन देखिए बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, कबूतर पीपल के वृक्ष पर रहते थे। बच्चों क्या कबूतर पीपल के वृक्ष पर रहते थे, हाँ। ख, चित्रग्रीव कबूतरों का मित्र था। क्या चित्रग्रीव कबूतरों का मित्र था, नहीं, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था, तो यहाँ क्या आएगा, नहीं। घ, कबूतर बहेलिए द्वारा बिछाए जाल में फंस गए। क्या कबूतर शिकारी, बहेलिए का अर्थ क्या होता है, शिकारी, क्या वो उसके बिछाए गए जाल में फंस गए थे, हाँ। बहेलिए ने कबूतरों को पकड़ लिया, क्या बहेलिए ने कबूतरों को पकड़ लिया था, नहीं, वह उन्होंने क्या किया था, वह तो सब एक साथ मिलकर जाल को लेकर उड़ गए थे। उसके बाद बच्चों देखिए कॉपी वर्क, पाठ दो एकता में बल। नवीन शब्द आप फर्स्ट, पहला वाला लिखेंगे आप वृक्ष, दूसरा संकट, तीसरा विनती, चौथा संध्या, पांचवा बहेलिया और छठा क्या लिखा हुआ है बच्चों, तलाश। बच्चों आप मेरे साथ दो बार दोहरान करेंगे हर एक अक्षर का। पहला संध्या, संध्या का क्या अर्थ होता है, शाम, संध्या शाम। विनती प्रार्थना, विनती प्रार्थना। बच्चों देखिए प्रार्थना कैसे लिखेंगे, प, प पे पदेन की मात्रा, आ की मात्रा। थ, थ पे रेफ की मात्रा और न पे आ की मात्रा। तो बच्चों ये क्या बन गया, प्रार्थना। संकट, संकट का क्या अर्थ होता है बच्चों, मुसीबत। मेरे साथ बोलो संकट मुसीबत। वाक्य बनाइए, प्रयास, प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है। बच्चों प्रयास करने से सफलता प्राप्त होती है, मतलब कि क्या करने से सफलता प्राप्त होती है, अगर हम कोई भी काम का प्रण ले लें तो वह काम हम जरूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, धन्यवाद।
किसने धन्यवाद देना चाहा था? किसने धन्यवाद, कबूतरों ने किसको धन्यवाद दिया था? हिरणे चूहे को। आप यहाँ क्या लिखेंगे? मदद करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? जो भी हमारी मदद करता है उसको हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। मेरे साथ बोलो, मदद करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए। अब बच्चों लिखित प्रश्न मेरे साथ दोहराएंगे। प्रश्न एक, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? कबूतर जाल में कैसे फंस गए? उत्तर, कबूतर दाना चुगने के लिए धरती पर उतरे और जाल में फंस गए। बच्चों कबूतर क्या करने के लिए धरती पर उतरे? दाना चुगने के लिए। कबूतर दाना चुगने के लिए धरती पर उतरे और जाल में फंस गए। बच्चों क्या कि वापस से पढ़िए, कबूतर जाल में कैसे फंस गए? कबूतर दाना चुगने के लिए धरती पर उतरे और जाल में फंस गए। प्रश्न नंबर दो देखिए, कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? बच्चों कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? हिरणे चूहे ने झटपट से जाल काट दिया और कबूतर जाल से मुक्त हो गए। बच्चों देखिए, आप हम हिरणे कैसे लिखेंगे? ह, ह पे छोटी ई की मात्रा, र आधा ण, य क। बच्चों ये कौन था? यह एक चूहे का नाम है। क्या नाम था? हिरणक। कबूतर जाल से कैसे मुक्त हुए? हिरणक चूहे ने झटपट से जाल काट दिया और कबूतर जाल से मुक्त हो गए। तो बच्चों आज हमने कौन से चैप्टर का दोहरान किया? पार्ट दो। अब हम पार्ट छह लालच का फल दोहराएंगे। ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों इसमें आपने क्या देखा था? इस जब आपने ये पार्ट पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा था? इस पार्ट में कौन था? लालची स्त्री थी, उसके दो बच्चे थे और सुनहरे पंख वाला हंस भी था। तो बच्चों इस पार्ट में क्या था? जो लालची स्त्री थी वह अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? झोपड़ी में रहती थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह निर्धन थी, उसके बच्चे जो थे वो भूखे रहते थे। एक दिन क्या होता है, उसके घर के पास एक सुनहरे पंख वाला जो है वो पक्षी आकर बैठता है। उसकी जो बेटी बालिका होती है वो बोलती है कि मम्मा, उसमें से जो उसके दो बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। बालक जो बाहर देखता है तो वह क्या देखता है? एक अद्भुत पक्षी। वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ, बाहर एक अद्भुत पक्षी है। उसके बाद लालची स्त्री की बालिका, जो उसकी बेटी होती है बालिका, वह क्या करती है? उस पक्षी को, वह उस हंस को पानी पिलाती है। हंस बहुत खुश हो जाता है और वह उसको क्या करता है? एक सुनहरा पंख दे देता है। उसके बाद वह हंस जो है वो रोज वहाँ आने लगता है और उस स्त्री को एक पंख रोज देने लगता है। उसके बाद क्या होता है, लालची स्त्री के मन में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। वह क्या सोचती है कि अगर इस हंस ने आना बंद कर दिया तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं तो वापस से गरीब हो जाऊंगी। तो वह क्या करती है, उसको उस हंस को पकड़ लेती है और उसके पंख जो है एक एक करके उखाड़ने लगती है। उसके बाद जो होता है ना, ये रख सुनहरे पंख वाला हंस वो क्या कहता है? रुको, सारे मत उखाड़ो, सारे क्या करो, मत उखाड़ो मुझे एक साथ, सारे मेरे पंख जो है वो मत उखाड़ो। लेकिन लालची स्त्री क्या होती है, वो तो सोचती ही नहीं है, वो उसके एक एक करके वो उसके पंख जो है उखाड़ने लगती है। और वो पंख कैसे हो जाते हैं? जैसे ही वो पंख उतारती है वो पंख सफ़ेद हो जाते हैं। वो बोलते हैं लालची, वो जो हंस होता है वो बोलता है, लालची स्त्री यह तूने क्या किया, तूने तो मेरे सारे पंख उखाड़ दिए। अब क्या होता है, लालची स्त्री को पंख मिलते हैं क्या सोने के? नहीं। वह सोने के पंख कैसे हो जाते हैं? वह सफ़ेद हो जाते हैं। और वह हंस कैसा हो जाता है? उसके जो पंख होते हैं सोने के, वह भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में मेरे साथ बुक वर्क पढ़ो। स्त्री कहाँ रहती थी? झोपड़ी में। बच्चों स्त्री कहाँ रहती थी? झोपड़ी में। स्त्री के कितने बच्चे थे? दो। पेड़ पर
कौन आकर बैठा? बच्चों पेड़ पर कौन आकर बैठा था? हंस। हंस के पंख कैसे थे? सुनहरे। हंस के पंख कैसे थे? सुनहरे। हंस के नए पंख कैसे थे? हंस के जो पंख थे वो तो सुनहरे थे, मगर स्त्री ने उसके सारे पंख उखाड़ दिए थे। फिर उसके पास जो वापस से पंख आए थे वो कैसे थे? सफेद। घर घर भीख मांगने को फिर से कौन विवश हुआ? स्त्री। बच्चों घर घर भीख मांगने के लिए वापस से कौन विवश हो गया था? स्त्री। स्त्री पहले भी गरीब थी, निर्धन थी, लेकिन सुनहरा जो पंख वाला हंस था वो उसको क्या देता था? वो रोज उसको एक पंख देता था, जिससे उसके पास क्या हो गया था? पर्याप्त धन हो गया था, बहुत सारा धन हो गया था। लेकिन लालची स्त्री के मन में क्या आ गया था? लालच आ गया था। तो उसने फिर से घर घर भीख मांगने के लिए फिर से कौन विवश हुआ? स्त्री। क्योंकि उसने क्या किया था? हंस के सारे पंख उखाड़ दिए थे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क। हंस ने प्रसन्न होकर सबसे पहले सुनहरा पंख किसे दिया? स्त्री को या लड़की को? बच्चों उसको पानी किसने पिलाया था? हंस को पानी किसने पिलाया था? लड़की ने। तो सबसे पहले उसने जो सुनहरा पंख था वो किसको दिया था? लड़की को। तो आप लड़की पे टिक करेंगे। ख। धनी होकर स्त्री के मन में कौन सी भावना आ गई? लालच की, गुस्से की, दया की। कौन सी भावना आ गई थी बच्चों? लालच की भावना आ गई थी। ग। स्त्री को सुनहरे पंख किस बात के लिए मिले थे? दया के लिए, परोपकार के लिए, या वह दोनों? मतलब कि दोनों चीजें थी, दया भी की थी उसने और परोपकार भी। तो हम नंबर 3 पे टिक करेंगे। लालच करने के कारण स्त्री पुनः क्या हो गई? वापस से क्या हो गई थी? वो वापस से धनी हो गई थी या निर्धन हो गई थी? स्त्री वापस से निर्धन हो गई थी। बच्चों अब हम क्या देखेंगे? किसने किससे कहा? क। माँ बहुत भूख लग रही है, यह किसने कहा था? लड़की ने स्त्री से। ख। अद्भुत पक्षी, स्त्री ने लड़के से। किसने कहा था बच्चों? स्त्री ने लड़के से। आहा, नहीं नहीं सारे नहीं, रुको, यह किसने कहा था? हंस ने स्त्री से कहा था। क्या कहा था बच्चों? कि सारे एक साथ मत उखाड़। ग। तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। किसने कहा था? हंस ने स्त्री से कहा था कि तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे सारे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क। निर्धन स्त्री झोपड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, हाँ। ख। हंस के पंख सुनहरे नहीं थे, नहीं। ग। हंस प्रतिदिन स्त्री को एक सुनहरा पंख देता था, हाँ। ख। हमें लालच करना चाहिए, क्या बच्चों हमें लालच करना चाहिए? नहीं, हमें लालच नहीं करना चाहिए। आओ बच्चों पाठ 6 लालच का फल हम कॉपी वर्क देखते हैं। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? निर्धन। क्या दिया हुआ है बच्चों? निर्धन। नंबर 2 पे प्रसन्न, 3 शीघ्र, 4 नंबर पे सुनहरे, 5 पे इच्छा। तो बच्चों हम देखेंगे निर्धन हम कैसे लिखते हैं। न। न पे छोटी ई की मात्रा, द, द पे रेफ की मात्रा और न। तो बच्चों यह क्या बन गया? निर्धन। उसके बाद देखिए बच्चों प्रसन्न, प, प पे पदेन की मात्रा, स, आधा न और न। तो बच्चों यह क्या बना? प्रसन्न। नंबर 1 निर्धन, नंबर 2 प्रसन्न, नंबर 3 शीघ्र, नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है बच्चों? सुनहरे, नंबर 5 इच्छा। अब मेरे साथ आप शब्दार्थ दोहराएंगे। नंबर 1 अद्भुत। अद्भुत का क्या अर्थ होता है बच्चों? अनोखा। अद्भुत का क्या अर्थ होता है? अनोखा। नंबर 2 पर्याप्त। पर्याप्त काफी। वापस से बोलेंगे पर्याप्त काफी। क। क पे आ की मात्रा, फ, फ पे बड़ी ई की मात्रा और फ के नीचे बच्चों क्या लगा हुआ है? बिंदी। नंबर 3 निर्धन। निर्धन का अर्थ क्या होता है बच्चों? गरीब। निर्धन गरीब।
वाक्य बनाइए। नंबर वन पे प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं हमें जिसमें प्रतिदिन अक्षरवर्ड आता हो, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नंबर दो पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, निर्धन, हमें निर्धन व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मतलब कि निर्धन का अर्थ क्या था बच्चों, गरीब, हमें गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। लिखित प्रश्न, अब हम प्रश्न उत्तर को दोहराएंगे। धनी होने के बाद लालची स्त्री क्या सोचने लगी, वापस से देखिए, धनी होने के बाद लालची स्त्री क्या सोचने लगी। धनी होने के बाद लालची स्त्री यह सोचने लगी कि यदि हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा। बच्चों वह क्या सोचने लगी थी कि हंस ने अगर आना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा। वापस से देखेंगे, धनी होने के बाद लालची स्त्री यह सोचने लगी कि यदि हंस ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा। प्रश्न दो, इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपने क्या सीखा। बच्चों इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची स्त्री क्या थी, उसको सुनहरे हंस, जो सुनहरे पंख वाला हंस था वो उसको क्या देता था, रोज एक पंख देता था, जिससे वह धनी होने लगी थी। लेकिन उसने क्या किया, उसके पंख उखाड़ दिए, तो वो वापस से क्या हो गई, वापस से वह निर्धन हो गई। तो हमने हमें क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर, इस पार्ट से, कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको जो है ये पार्ट अच्छे से समझने आ गए होंगे। धन्यवाद।